में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर पुलिस अधीक्षक खीरी ने हर इलाके में लोगों से संवाद कर उक्त एक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी, जिससे जनता को कोई भ्रमित ना कर सके, कोई झूठी अफवाह ना फैला सके। साथ ही लोगों से अपील भी की कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। रिपोर्ट लक्ष्मीकांत गुप्ता, लखीमपुर खीरी, हिंदुस्तान न्यूज 24। जनपद में जगह जगह जनसंवाद स्थापित करके लोगों को नागरिक ता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में जो आधारभूत जानकारी है वो उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कोई भी जनता को भ्रमित ना कर सके, कोई झूठी अफवाहें ना फैला सके। और विस्तृत तौर पर बताया जा रहा है कि यह अधिनियम किसी भी धर्म के भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करता है, कोई प्रतिकूल प्रभाव किसी भी भारतीय नागरिक पर नहीं डालता है, और यह नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है, किसी की नागरिकता छीनने से संबंधित नहीं है। और इसके साथ ही यह भी अवगत कराया जा रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रव्यापी NRC की घोषणा नहीं की गई है, और जब घोषणा की भी जाएगी तो उसके नियम व निर्देश इस तरीके के होंगे कि किसी भी भारतीय नागरिक को कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ ही जनता से आग्रह किया जा रहा है कि किसी भी किस्म की अफवाहों में ना पड़ें और भ्रमित ना हो, जो भी जानकारी उनको उपलब्ध कराई जा रही है उसकी सत्यता को परखें और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।